नमस्ते बच्चों, माय नेम इज वानी। आई एम वर्किंग इन बारादेदासनाथ मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल एज हिंदी टीचर। चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, चलो देखते हैं। ठीक है, आप सब लोग कैसे हो? मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो। आई होप दैट एवरीबडी इज फाइन एंड एंजॉयिंग। ये सुनो, ठीक है बच्चों, आज जो मैं है फर्स्ट स्टैंडर्ड में से क्या पढ़ाने वाली हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू बबल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बबल्स? बबल्स का मतलब होता है स्वर। हिंदी में जो है बबल्स को क्या कहते हैं? हिंदी में जो है बबल्स को स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को स्वर सिखाने वाली हूं। जस्ट लेट सी। ओके, पहला जो है आ से अनार। ठीक है, आ कौन सा है पहले? आ। आ से क्या होता है? आ से आ ना रा अनार। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनार? अनार का मतलब होता है पोमोग्रेनेट। ठीक है बच्चों, आ से अनार। आ ना रा अनार। अनार का मतलब क्या होता है? अनार का मतलब होता है पोमोग्रेनेट। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा जो है आ। आ से क्या होता है? आ से आ मा आम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आम? आम मींस मैंगो। वेरी गुड, आम का मतलब होता है मैंगो। यू लाइक मैंगो? यस, वेरी गुड, यू लाइक मैंगो। यस आई नो, आप लोगों को जो है आम जो है बहुत बहुत पसंद है। पसंद मींस लाइक। ठीक है बच्चों, आ से सियर। आ से आम। आम का मतलब होता है मैंगो। वेरी गुड, नेक्स्ट इज ई से इमली। इमली, ई से क्या होता है? ई से इमली। इमली ना नदमा पुलियांगा। यस करेक्ट, वेरी गुड। सो प्लीज ओनली ई मली, इमली। ठीक है, चलो देखो तो ई मली, इमली। इमली का मतलब होता है पुलियांगा। यस और नो, यू लाइक? यस, बहुत खट्टा खट्टा होता है कि नहीं? ठीक है बच्चों, सो ई से जो है इमली। ठीक है, हाँ बाद में ई। ई से क्या होता है? ई से जो है ई का, ईक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईक? ईक का मतलब होता है शुगर केन। यस और नो, ईक का मतलब क्या होता है? शुगर केन। यस, वेरी गुड। चलो अभी देखो तो ई से ई का, ईक। वेरी गुड, ईक कैसा होता है? बहुत बहुत मीठा। मीठा मीन्स शुगर केन विल बी वेरी वेरी स्वीट। यस और नो, यू लाइक? व्हेन वी यूज शुगर केन, वी विल यूज एट द फेस्टिवल ऑफ पोंगल। वेरी गुड, यू लाइक टू ईट ईक? हाँ, आप लोगों को जो है ईक खाना बहुत बहुत पसंद है। तो अभी बोलो तो ई से ईक। ठीक, वेरी गुड। अभी जो है नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? बाद में जो है ऊ से। ऊ से क्या है? ऊ लू, उल्लू। उल्लू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उल्लू? उल्लू का मतलब होता है आओ। ठीक है बच्चा, इधर देखो तो ऊ से उल्लू। उल्लू का मतलब होता है आउल। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ आउल? यू नो उल्लू का क्या स्पेशलिटी है?
यू कैन सी इट नाइट टाइम नो ना बट आउल व्हाट ही कैन डू कैन सी इट नाइट यस और नो यस वेरी गुड वही जो है उसे उल्लू चलो अभी बोलो तो बच्चों उसे उल्लू उल्लू ठीक है बाद में हम क्या स्वर है देखते हैं बाद में जो है ऊ बोले तो वो छोटा हुआ दिस वन इज बिग ऊ से क्या होता है चलो अभी देखते हैं ऊ से ऊंट ऊंट का मतलब क्या होता है चलो बोलो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊंट ऊंट का मतलब होता है कैमल ठीक है बच्चों ऊंट 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 का मतलब होता है कैमल चलो बोलो तो व्हाट वी से कैमल कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट क्या मतलब है ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहां भी कहते हैं ठीक है बच्चों सो रेगिस्तान रेगिस्तान मीन्स व्हाट रेगिस्तान का मतलब होता है डेजर्ट ठीक है डेजर्ट में वी कांट वॉक बट कैमल कैन वॉक ऑन द डेजर्ट ठीक है बच्चों ठीक है अभी जो है उसे क्या है माँ उसे ऊंट गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं देखिए तो री से क्या होता है देखो तो री से री शी ऋषि ऋषि का मतलब क्या होता है ऋषि का मतलब होता है सेंट बाद में जो है ऋषि का मतलब क्या होता है ऋषि का मतलब होता है सेंट ठीक है बच्चों वेरी गुड यहां पर देखो तो ऋषि वेरी गुड बाद में जो है चलो अभी जो है नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट स्वर जो है वह है ए से कौन सा क्या देखने वाले हैं व्हाट इज दिस इसको क्या हिंदी में बोलते हैं इसको जो है देखते हैं क्या बोलते हैं लेट्स सी ओके ए से एडी ठीक है बच्चों चलो फिर से मेरे साथ बोलो तो ए से एडी एडी का मतलब क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी You can find here. It is a heel. Yes, correct. Heel का मतलब क्या होता है जो फुट का जो है इसी को जो है हम क्या कहते हैं एड ठीक है इंग्लिश में क्या कहते हैं इंग्लिश में जो है ही कहते हैं ठीक है बच्चों ए से क्या होता है ए से होता है एडी करेक्ट बाद में हम क्या देखने वाले हैं लेट्स सी What the next स्वर ठीक है बच्चों अभी जो है आई आई से क्या होता है What the word come from आई आई से जो है ए न क एनक ठीक है आई न क एनक एनक का मतलब होता है चशिया What is this Yes it is spectator Yes or no So, when you use this, you like to wear anak. Yes, for style also someone used to wear. Yes or no? Yes. I say jo hai, kya hota hai? I say hota hai, anak. A-na-ka. Anak. Very good. Baad mein dekho to, I say anak. Baad mein kya hai? ओ से क्या है ओ से है ओखली करेक्ट ओ से कौन सा वर्ड बनता है ओखली करेक्ट व्हाई दैट ओखली इज यूज्ड योर पार्टी एंड ऑल व्हाट दे विल डू जस्ट दे विल
वॉक अंडर वॉट दे विल जस्ट पुट एंड जस्ट दे विल ब्रेक यस और नो उसी को जो है ओखली कहते हैं वेरी गुड बाद में ओ से ओखली नेक्स्ट क्या स्वर देखने वाले हैं चलो आउ से क्या होता है आउ से होता है ओ र त औरत ठीक है आउ से ओ र त औरत चलो इधर देखिए तो ओ र त औरत व्हाट इज द मीनिंग ऑफ औरत औरत का मतलब होता है वुमन ठीक है बच्चों ओ से होता है औरत औरत का मतलब होता है वुमन वेरी गुड ठीक है बाद में जो है अंग से चलो बोलिए तो अंग से अंगूर गुड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंगूर यू लाइक अंगूर यस आई नो यू लाइक अंगूर अंगूर का मतलब होता है ग्रेप्स यू लव टू ईट ग्रेप्स यस वेरी गुड चलो अंग से अंगूर अंगूर का मतलब होता है ग्रेप्स वेरी गुड चलो देखिए तो यहां पर अ न गु र अंगूर करेक्ट चलो अभी जो है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट लेटर है आहा चलो आहा से जो है कोई भी वर्ड नहीं बनता है व्हाट इज द मीनिंग विद आहा नो वर्ड्स विल बी यूज्ड ठीक है बच्चों वेरी गुड सो आहा से एनी वर्ड विल बी यूज्ड नो इट विल नॉट बी यूज्ड चलो क्विकली वी विल रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न्ड ठीक है बच्चों अभी जो हम जल्दी से दोहराते हैं कि हमने क्या क्या स्वर पढ़े हैं चलो आ आ से अनार आ आ से आम ई से क्या पढ़ा हमने इमली ई से क्या पढ़ा ईक ऊ से क्या पढ़ा उल्लू ऊ से ऊंट री से ऋषि ए से एड़ी आई से आईनक ओ से ओखली औ से औरत अंग से अंगूर अंगूर आहा यस विद आहा यूज एनी वर्ड्स नो आहा से जो है कोई भी वर्ड नहीं बनता है वेरी गुड चलो बच्चों नाउ यू मस्ट हैव लर्न द बबल्स बबल्स को जो है हिंदी में क्या कहते हैं स्वर कहते हैं ठीक है बच्चों वेरी गुड इन द डिस्क्रिप्शन वी हैव अटैच्ड द स्टडी मटेरियल ठीक है बच्चों सो वी हैव अटैच्ड द स्टडी मटेरियल व्हाट यू हैव टू डू एनी डाउट इज देयर मींस गो थ्रू द स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बैंक इज देयर सेल्फ असेसमेंट इज देयर व्हेन यू आर क्लियर इन द स्वर जस्ट टेक द क्वेश्चन पेपर राइट टेस्ट यू विल बी क्लियर ठीक है बच्चों So, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्वर क्या होता है ठीक ओके धन्यवाद